तोमर साहब, आपको गिरिपार में हाथी पुत्र की एक संज्ञा दी जा रही है। आप हाथी के पुरोधा के तौर पर उभरे, एक बड़ा काम हुआ है, एक बड़ी सौगात दी है। किस तरीके से ये काम संभव हुआ? सबसे पहले मैं आज यहाँ राजगढ़ में आया हूँ। यहाँ के सभी हमारे हाटी समिति की जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सभी पदाधिकारी, उनके अध्यक्ष जी और उनकी सभी टीम, आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सबने स्वागत किया, अभिनंदन किया। और मैं तमाम गिरिपार की 154 पंचायतों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, जो कि अभी 14 सितंबर को जो हमारा एक बहुत बड़ा काम, जो पिछले 55 वर्षों से लंबित पड़ा था, उस कार्य को हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, केंद्र में केंद्र के सभी नेतृत्वों ने जो हमारा ये केंद्र कैबिनेट से पास किया है, उसके लिए मैं उन सभी केंद्र के नेतृत्वों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी का, भाई सुरेश कश्यप जी जो हमारे सांसद हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी है, उन सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से हमारे इस 55 वर्ष से लंबित पड़े मुद्दे के लिए पैरवी की, वो आज से पहले शायद किसी ने नहीं की, इसलिए आज हमारी जो ये पुरानी मांग थी वो पूरी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद को एक हाटी का बेटा समझकर, हाटी का मामा समझकर हमारे इस काम को पूरा किया है। और इस कार्य के लिए जितनी मेहनत उन्होंने की है, दिल्ली में लगातार प्रयास किए, मैं अपनी तमाम गिरिपार की जनता की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और ये जो हमारी एक लंबी लड़ाई थी, इस लड़ाई में हमारे सभी लोगों का योगदान रहा है, जो आज से पहले जिन्होंने 55 साल इस लड़ाई को जारी रखा, इसके फाउंडर मेंबर रहे, वहाँ से शुरुआत हुई और लगातार इसको आगे बढ़ाते रहे, और अंत में हमको ये सफलता मिली जिस प्रकार से उत्तराखंड का जौसार का क्षेत्र 1967 में जो जनजाति हुआ है, हमारा क्षेत्र भी उसी वक्त जनजाति हो जाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त की राजनीति इच्छा शक्ति के कारण हमको 55 साल इस संघर्ष में करते करते लग गए। लेकिन आज सफलता मिली, आज सबके लिए बहुत खुशी का माहौल है। गिरिपार की तमाम जनता को मैं बधाई देता हूँ, प्रदेश और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। एक डॉक्टर रमेश सिंगटा, मैं मुख्य प्रवक्ता हूँ हाटी विकास मंच, और मेरे साथ प्रदीप सिंगटा जी है जो अध्यक्ष है हाटी विकास मंच के, शिवचंद जी है जो हाटी के एक बड़े लड़ाके रहे हैं और हाटी के हितों की इन्होंने बराबर लड़ाई लड़ी है, हमारे साथ भीम सिंह ठाकुर जी हैं और ये पत्रकार, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, राजेश भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। आज का जो कार्यक्रम हुआ है, आज स्वागत या इसको कह लीजिए कि सम्मान समारोह नौराधार में हुआ था, जिसमें हाटी पुत्र के नाम से जिन्हें जो चर्चित नेता है, जिन्हें पहचाना जा रहा है, शिलाई के पूर्व विधायक और सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक आदरणीय बलदेव सिंह तोमर जी, उनका लोगों ने जिस तरीके से सभी पंचायतों ने एक ही सौर में, आप देख सकते हैं कि आज आपने देखा भी होगा, आप गवा रहे हैं, महिलाएं नारी शक्ति बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, और जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने हुंकार ये भरी है, जो SC समुदाय किन्हीं कारणों से कुछ नेताओं ने, चंद नेताओं ने उनको भरगलाया, बहलाया, फुसलाया, उनके कारण जो एक लाख लोग लगभग हमारे से छिटक गए थे, उनको ST के अधिकार नहीं मिल पाए थे, उनमें से डोम उत्थान समिति उनके अध्यक्ष दिलावर जी एक बड़े दिल वाले हैं, उन्होंने ये आज जिस तरीके से अपनी बात कही है, उन्होंने ये महसूस किया है कि हमारी पीढ़ियां पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात जाती है और ये अधिकार एक संवैधानिक संरक्षण जिस तरह का मिलता है, एक आरक्षण भी मिलता है, उससे वो वंचित रह गए। उन्होंने, बलदेव तोमर जी ने उनको ये आश्वासन दिया है कि हम आपके हितों की, आप मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के हाथ मजबूत कीजिए, आप सरकार का साथ दीजिए, आपके हितों की मैं दिल्ली के दरबार तक जो है वो लड़ाई लड़ता रहूंगा। तो आज एक बड़े गौरव का एक विषय था कि सभी जगह, ना केवल ये नौराधार में, इसके बाद भी कई जिलों में, कई जगहों पे ये सम्मान समारोह हो रहे हैं, और इनमें एक ही बात उभर के आ रही है कि अब लोग ये महसूस कर रहे हैं कि अब सरकार ने जिस तरीके से, ये सरकार के हम आभारी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के हम उनके बहुत आभारी हैं, मुख्यमंत्री के बहुत आभारी हैं, जिनके सहयोग से हम, JP नड्डा जी जो हिमाचल से ताल्लुक़ रखते हैं, हम उनके बहुत आभारी हैं,
इनके सहयोग से एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। 55 साल तक ये फैसला पहले नहीं हो पाया है, अब सरकार ने अपना काम कर दिया, अब जनता ने करना है। एहसान फरामोश हमारी संस्कृति है, सिरमौर की गिरिपार के लोग हैं, वो भोले भाले लोग हैं, वो जरूर सरकार का अब कर्ज उतारने की बारी आ गई। अगली बात हमारे प्रदीप सिंह जी रखेंगे।